अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज पुलाव रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी सा बनता है, चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने वेज पुलाव बनाने के लिए 2 कप मैंने बासमती राइस ली हूँ। इसको अच्छे से वॉश करके इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज ली हूँ, इसको स्लाइस करके इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके ले लेंगे। ये अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको निकाल कर साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर ये उसी ऑयल में मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दी हूँ, आप ऑयल भी ले सकते हो। अब ये घी डालने के बाद मैं थोड़े से खड़े गरे मसाले डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने लौंग, इलायची, दालचीनी, हरी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, इन सबको ली हूँ, इसको डाल दूँगी। ये अक्खी लाल मिर्च है 2 से 3 और ये तेज़पत्ता है, इसको डालकर 10 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। अब यहाँ पर 2 मैंने बड़े प्याज ली हूँ स्लाइस करके, इसको भी डाल देंगे। इसको भी हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर कर ले लेंगे। अब ये हल्का ब्राउन होने के बाद ये एक टमाटर ली थी मैंने, इसको भी डाल दूँगी। अब ये टमाटर को भून कर ले लेंगे, ये टमाटर गलने तक इसको पका लेंगे। ये टमाटर गलने के बाद थोड़े से मैंने मिक्स वेजीज ली हूँ, इसको डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम, आलू, कॉलीफ्लावर और मटर ली हूँ, इसको डाल दूँगी। इसको मैंने थोड़े से बड़े साइजेस में कट कर कर ली हूँ। अब इन सबको मिक्स कर कर ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ली हूँ, ये 2 बड़े चम्मच है, इसको डाल दूँगी। इसको डालने के बाद इन सबको वेजेस के साथ में अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भून कर ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से पाउडर मसाले ली हूँ, ये लाल मिर्च है 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच ज़ीरा है, हल्दी है 1/2 चम्मच और गरम मसाला 1/2 चम्मच है, इसको डाल के भून कर ले लेंगे। यहाँ पर ये मैंने बिरयानी मसाला ली हूँ 1 चम्मच, इसको भी डाल दूँगी। अब इसको 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर 1/2 कप मैंने पानी डाली हूँ, पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर कर ले लेंगे। ये 4/4 चम्मच मैंने दही ली हूँ, इसको अच्छी तरह से फेंट कर ली हूँ। अब इसको डाल के इन सब वेजेस को, मसालों को मिक्स कर कर ले लेंगे। अब यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद यहाँ पर थोड़े से धनिया पत्ता और पुदीना पत्ते को डाल दूँगी। अब इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने चावल को भिगा कर रखा था इसको डाल दूँगी। चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सब वेजेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर कर ले लेंगे। ये झटपट बनने वाला बहुत इजी और टेस्टी रेसिपी है, इसको एक बार आप ज़रूर बनाएं। अब यहाँ पर मैंने जितना चावल लिया था उतना ही उसका 2 कप मैंने राइस लिया था, उसको 4 कप मैंने पानी ऐड करी हूँ। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने 1/2 चम्मच मैंने नमक ऐड करी हूँ। ये 1/2 नींबू का जूस है, इसको भी डाल दी हूँ, इससे चावल अच्छा खिले खिले बनेंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इन सबको मिक्स करके इसको ढक्कन लगा कर इसको 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। अब ये पुलाव बनकर तैयार है। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन ओनियन से गार्निश करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ब्राउन ओनियन डाल देंगे और थोड़ा सा कोथमीर पुदीना डालकर इसको 5 मिनट के लिए दम पर दे देंगे। अब ये मिक्स वेज पुलाव बनकर तैयार है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।